औरैया में थाने को दी उड़ाने की धमकी। फोन करके कहा थाने को बम से उड़ा दूंगा। फोन आते ही पुलिस की हालत हुई खराब। पूरे जिले में शुरू हुआ चेकिंग अभियान। आमतौर पर पुलिस सबसे ज्यादा परेशान तब होती है जब जिले में अचानक कोई बड़ी वारदात हो जाए, लेकिन औरैया जिले में पुलिस विभाग को परेशान कर दिया सिर्फ एक कॉल ने, क्योंकि उस कॉल पर किसी ने थाने को ही उड़ाने की धमकी दे डाली। बिल्कुल सही सुना आपने, किसी शख्स ने डायल 112 पर मदद मांगने की जगह थाने को बम से उड़ाने की धमकी देने के लिए कॉल कर दिया। एक शख्स ने अपना नाम अफगान खान बताया और डायल 112 पर कॉल करके कहा कि मैं 12 घंटे के अंदर दिबियापुर थाने को बम से उड़ा दूंगा, और इसके बाद आरोपी ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। तुरंत ही जानकारी दिबियापुर थाने से लेकर पूरे जिले में फैलाई गई और पुलिस ने आसपास के सभी थानों सहित दिबियापुर थाने में खड़ी गाड़ियों तक की चेकिंग शुरू कर दी। ना ही किसी लावारिस वाहन से कुछ मिला और ना ही कहीं और से। पुलिस के साथ साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी चप्पे चप्पे को खंगालती रही। वहीं दूसरी ओर एक टीम लगातार आरोपी की खोजबीन में लगी रही। पुलिस टीम ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी के नंबर को सर्विलांस पर लगाया और उसकी लोकेशन ट्रेस की। हालांकि फोन स्विच ऑफ था, लेकिन फिर भी पुलिस ने आरोपी को किसी तरह ट्रेस किया और उसे खोज निकाला। दूसरी ओर पूरे जिले में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन सहित तमाम जगहों की चेकिंग की गई। मामले पर एडिशनल एसपी दिगंबर कुशवाहा ने बताया कि डायल 112 पर कॉल करके एक शख्स ने बताया कि वो अफगान खान गली नंबर 49 दिबियापुर कस्बे का रहने वाला है, और इस पर जब सामने से उससे पूछा गया कि आदमी को दिक्कत क्या है, तो उसने कहा कि 12 घंटे के अंदर दिबियापुर थाने को बम से उड़ा देगा। इसके बाद तुरंत आरोपी ने फोन ऑफ कर दिया। पुलिस की सतर्कता से चेकिंग करते हुए आरोपी की खोजबीन भी जारी रखी गई और कड़ी मशक्कत के बाद महज 4 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एडिशनल एसपी ने बताया कि आरोपी नशे का आदि है, लिहाजा उसे गिरफ्तार करने के बाद भी पुलिस ने अपना सर्च ऑपरेशन जारी रखा। आज दिनांक 8/4/2023 को दिन के करीब 2 बजे एक व्यक्ति द्वारा 112 पर कॉल करके यह सूचना दी गई कि मैं अफगान खान पुत्र काले खान गली नंबर 49 संजय नगर दिबियापुर का रहने वाला हूँ। उस उधर से पूछा गया कि आपकी क्या समस्या है, इसके द्वारा कहा गया कि मैं 12 घंटे के भीतर दिबियापुर थाने को बम से उड़ा दूंगा। उसके बाद इसने फ़ोन काट दिया और अपना फ़ोन ऑफ कर दिया। इस सूचना को सीरियसली लेते हुए थाना द्वारा मेरे द्वारा पूरे थाने को परिसर को सर्च कराया गया, साथ ही साथ कोई सावधानी बस पर रेलवे स्टेशन को भी पूरा सर्च कराया गया, कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। साथ ही साथ हमारी एसओजी टीम और या पुलिस की सहायता से पूरे सर्च करके लोकेशन निकाल करके बंद होने के बावजूद भी इस मुलजिम को पकड़ लिया गया है। पूछताछ में पता चला कि ये शराब पीने का आदी है और झूठी शिकायत करने का आदी है। इसकी बात को गंभीरता से लेते हुए BTDS की टीम, ASG टीम द्वारा रेलवे स्टेशन और आसपास और थाने को भी रिवाइजन पूरे को चेक करा लिया गया है, कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। आपको बता दें, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। दूसरी ओर पूरे जिले को चेक कर लिया गया है और कहीं पर भी कोई संदिग्ध चीज देखने को नहीं मिली। औरैया से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ कपिल पोरवाल की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।